नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 5 मिनट में 25 खबरों की ओर। राजस्थान के उदयपुर में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर टेलर कन्हैया लाल की हत्या, 2 गिरफ्तार, कई हिस्से में कर्फ्यू। उदयपुर हत्याकांड पर आई शीर्ष मुस्लिम संस्था की प्रतिक्रिया, घटना को बताया कानून और इस्लाम के खिलाफ। महाराष्ट्र सियासी संकट को लेकर उद्धव शिंदे की जंग में बीजेपी ने फंसाई टांग, फडणवीस ने की फ्लोर टेस्ट कराने की मांग। नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी, भाजपा के पूर्व प्रवक्ता जिंदल को आए 3 मेल, परिवार को भी खतरा। महाराष्ट्र के पालघर केमिकल प्लांट में लगी भीषण आग, 10 धमाके सुने गए, कई किलोमीटर तक दिखी आग। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बैरिकेटिंग तोड़ खाई में गिरी बस, 2 सवारियां घायल, 3 की हालत गंभीर। देवबंद में एनआईए की छापेमारी, जनसेवा केंद्र संचालक को हिरासत में लिया, फर्जी आधार से जुड़ा है मामला। छत से लटकाकर युवक को पीटने का वीडियो वायरल, 2 घंटे तक बरसाए लाठी डंडे, मारने वाले पूछ रहे थे बोल क्या क्या चुराया। मरीज को लेकर बलरामपुर पहुंचे डिप्टी सीएम, लखनऊ के बीआरडी में ब्रेन स्ट्रोक से तड़प रहा था, साथ में कोई था भी नहीं। रायबरेली में पुलिस मुठभेड़, 2000 का इनामी बदमाश के पैर में गोली लगने से हुआ घायल, लूट की घटना में चल रहा था फरार। ऑस्ट्रेलिया में धार्मिक झुकाव कम, भारतीय की आबादी 48% बड़ी, आधे से ज्यादा कम हुई ईसाइयों की आबादी। अमेरिका के फ्लोरिडा में 8 साल के बच्चे ने बच्ची को मारी गोली, पिता की गन ढूंढकर लाया और गोली चला दी, 1 साल की मासूम की हुई मौत। WHO की रिपोर्ट में खुलासा, मंकी पॉक्स से नाइजीरिया में पहली मौत। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म का सिलसिला बरकरार, कराची में नाबालिग हिंदू लड़के का अपहरण। अमेरिका ने श्रीलंका को दी 2 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सहायता, खाद्य सुरक्षा के लिए किए जाएंगे खर्च। रोमांचक मुकाबले में जीती टीम इंडिया, 2रे T20 में आयरलैंड को 4 रन से हराया, सीरीज में 2-0 से किया क्लीन स्वीप। विंबलडन में उलट फेर, पहले दौर में हारी 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स, नडाल जीते। भारत ने पहली बार पारी के पहले ओवर में लुटाए 18 रन, दीपक हुड्डा और सैमसन ने 5 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। इंग्लैंड को वर्ल्ड कप दिलाने वाले कप्तान इयान मॉर्गन ने लिया संन्यास, खराब फॉर्म से थे परेशान। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने दी टीम इंडिया को चेतावनी, कहा भारत के खिलाफ उनकी टीम के जज्बे में कोई कमी नहीं आएगी। पॉपुलर अमेरिकन एक्ट्रेस की संदिग्ध मौत, क्रिमिनल माइंडसेट फेम मैरी मारा की लाश न्यूयॉर्क की नदी में तैरती मिली। आलिया ने प्रेगनेंसी में काम करने पर किया रिएक्ट, नाराजगी जताते हुए कहा मैं एक महिला हूं ना कि कोई पार्सल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर बनेगी बायोपिक, 99वीं बर्थ एनिवर्सरी पर रिलीज होगी अटल है फिल्म का टाइटल। वॉलीवुड
बॉलीवुड में ड्रग्स पर सुनील शेट्टी ने कहा, इंडस्ट्री ड्रगीज से भरी हुई नहीं है, हम भी गलती करते हैं, बच्चा समझा माफ कीजिएगा। सिद्धू मूसेवाला की टीम ने दर्ज कराई एफआईआर, सिद्धू के सॉन्ग लीक करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।